नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तमाम एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए गए हैं टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि अगले आदेश तक सभी एग्जामिनेशन जो है वो अब पोस्टपोन हो चुके हैं। और आज का जो एक बड़ा घेरा हुआ था बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना का, और रविंदर रैना ने यह एश्योर किया था कि वो इस पूरे मसले को जो टॉप ऑफिशियल्स है वहां तक उठाएंगे, और कहीं ना कहीं उसका शायद आप कहें कि परिणाम इस समय आता हुआ दिख रहा है कि ऑफिशियली ये बात अब जारी कर दी गई है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी के CBE था तमाम पोस्टों के लिए, जो कि 16 मार्च 2023 से जिनकी शुरुआत होनी थी और 5 अप्रैल 2023 तक का जो चलनी थी, तो वो तमाम डेफर कर दी गई है टिल द फर्दर इंटीमेशन। तो ये इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है और तमाम वो एस्पिरेंट्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिन्होंने बड़े मुजाहरे किए, यहां पर कैंडल मार्च निकाला और ये कोशिश की कि इन एग्जामिनेशन को वो किसी प्रकार से डेफर करवा पाए कि एपटेक को लेकर उनकी नाराजगी थी कि एपटेक जो कि पहले ब्लैकलिस्टेड रह चुकी है उसे ही क्यों दोबारा से ये टेंडर दिया गया है। हालांकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की गई, मामला अभी कोर्ट में भी लंबित है, लेकिन अब जो JKSSB के ऑफिशियल्स के द्वारा इस समय जानकारी शेयर की गई है उसके मुताबिक अब ये तमाम जो एग्जामिनेशन है ये डेफर कर दिए गए हैं अगले नोटिफिकेशन तक। तो ये जो मैसेज हमारे पास आया उसमें ये लिखा गया है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट स्केड्यूल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 16/3/2023 टू 5/4/2023, यानी कि 5/4/2023 तक के जो एग्जामिनेशन है आर डेफर्ड टिल फर्दर इंटीमेशन। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखने को मिला है, बड़ा इंपैक्ट देखने को आया है, प्रदर्शन हुए और विशेषकर जो आज हमने आपको लाइव कवरेज दिखाई कि जिस समय जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना गांधीनगर में अपना बिजली का बिल भुगतान करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर तमाम एस्पिरेंट्स ने उनका घेराव किया और उनकी बातचीत वहां पर हुई और इस बातचीत के बाद उनकी यही वहां पर सहमति बनी कि वो इस पूरे मसले को आगे उठाएंगे। और उनका मसला कहां तक पहुंचा है ये इस बात से शायद प्रमाणित होता है कि बातचीत वाकई में एक मुकाम पर पहुंचती हुई दिखी है और उनकी तरफ से यानी कि JKSSB की तरफ से अब आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि तमाम एग्जामिनेशन जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे थे वो अब डेफर्ड कर दिए गए हैं, यानी कि परसों से जो कैलेंडर जारी किया गया था वो अब डेफर हो चुका है, वो पोस्टपोन हो चुका है अब अगले ऑर्डर तक, अगले इंटीमेशन तक। बड़ी राहत है तमाम एस्पिरेंट्स के लिए, सभी एस्पिरेंट्स को यहां पर एक बड़ी राहत मिली होगी कि उनके एग्जामिनेशन जो कि एपटेक के द्वारा होने थे और जिस एपटेक पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि एपटेक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है और क्यों उसे यहां पर बार बार मौका दिया जा रहा है, तो फाइनली अब यहां पर एपटेक को लेकर शायद एडमिनिस्ट्रेशन को यह लगा कि जो गतिरोध और जो विरोध देखने को मिल रहा है और विशेषकर जो अपोजिशन इसमें इन्वॉल्व हुई है, जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, तमाम सियासी नेता इसमें इन्वॉल्व हुए और उनकी इन्वॉल्वमेंट ने कहीं ना कहीं एक प्रेशर माउंट किया, तो ये सब चीजें और विशेषकर आज रविंदर रैना का जो घेराव हुआ और जो उनके एश्योरेंसेस थे, जो वादे थे, कहीं ना कहीं शायद उनने आज बात की है और बात रविंदर रैना की आप कहें तो शायद मुकाम पर पहुंचती हुई दिख रही है कि फिलहाल ये जो सभी एग्जामिनेशन है इन्हें डेफर कर दिया गया है अगले आदेश तक, यानी कि अब नया कैलेंडर जारी होगा, नई डेटशीट होगी और पुराने जो कैलेंडर्स हैं वो अब नहीं चलेंगे। मैं एक बार फिर से ये पूरा जो मैसेज आपको पढ़कर सुना देता हूं, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट स्केड्यूल विद इफेक्ट फ्रॉम 16/3/2023 टू 5/4/2023 आर डेफर्ड टिल फर्दर इंटीमेशन। तो बड़ी राहत है, एक बड़ी कामयाबी है तमाम अभ्यर्थियों की जिन्होंने प्रोटेस्ट किए, धरना प्रदर्शन किए अपने हक हकूक के लिए और ये कहा कि उन्हें एपटेक से इम्तिहान नहीं देना है, उनका अधिकार भी है, यदि वो किसी कंपनी पर संदेह करते हैं तो वो अपना
उस पर गतिरोध भी जाहिर कर सकते हैं। तो इस समय की ये बड़ी अपडेट है कि तमाम जो एग्जामिनेशंस यहां पर होने थे 16 मार्च से, वो अब रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं। रद्द हम नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी पोस्टपोनमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने प्रदर्शन किया और एक फ्रूटफुल रिजल्ट यहां पर निकला है। तो यही खबर है कि अब ये जो एग्जामिनेशन है ये डेफर कर दिए गए हैं, यानी कि सरल भाषा में कहें कि पोस्टपोन कर दिए गए हैं अगले आदेश तक। नमस्कार।